प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक का अध्याय सोनू का पेट दर्द। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस अध्याय में दो दोस्त कबीर और सोनू, उनकी बात की गई है। जो कबीर है वो तो हमेशा ही साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखता था और सदा ही स्वस्थ रहता था, जबकि सोनू सफाई की ओर बिल्कुल ना ध्यान देकर हमेशा ही गंदा बना रहता था, जो कि एक दिन बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर के समझाने पर या बताने पर उसको समझ आता है कि वह अस्वस्थ है और एक सप्ताह के लिए उसको अपने बिस्तर पर ही लेटे रहना है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है और एक प्रण कर लेता है कि मैं सदा ही सफाई का ध्यान रखूंगा। तो आइए पहले इसका पठन करते हैं। कबीर और सोनू बहुत अच्छे दोस्त थे। कबीर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता था। वह हमेशा साफ कपड़े पहनता, भोजन से पहले हाथ धोता, रात को सोते समय और सुबह उठकर अपने दांतों की सफाई करता। वह हमेशा स्वस्थ रहता। उसकी इन आदतों, अच्छी आदतों की वजह से सभी उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन सोनू हमेशा गंदा बना रहता, बिना हाथ धोए भोजन करता, सुबह और रात को दांतों की सफाई भी नहीं करता। उसके नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे, जिसमें हमेशा मैल भरा रहता। कबीर सदैव सोनू को शरीर की सफाई के विषय में बताता, परंतु वह कबीर की एक नहीं सुनता और अपने गंदे दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा उसका मजाक उड़ाता। एक दिन सोनू और कबीर दोनों दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहे थे, तभी अचानक सोनू के पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। कबीर उसे देखकर घबरा गया। वह दौड़कर सोनू के माता पिता को बुला लाया। सोनू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। यह इन्फेक्शन पेट में गंदगी जाने की वजह से हुआ है। यह गंदगी गंदे हाथों से भोजन करने तथा दांतों की सफाई ना करने की वजह से पेट में पहुंची है। इसे ठीक होने में एक सप्ताह का समय लग सकता है। डॉक्टर के मुख से यह सब सुनकर सोनू उदास हो गया, क्योंकि अब वह कबीर के साथ खेल भी नहीं सकता था। सोनू ने उसी समय सबके सामने यह कसम खाई कि वह अब से रोज़ भोजन करने से पहले अपने हाथ धोएगा, नियमित रूप से दांतों की सफाई भी करेगा। इतना ही नहीं, उसने उसी समय अपनी माँ से कहकर अपने बड़े हुए नाखून भी कटवा लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि हम सदा ही स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यह साफ सफाई केवल अपने शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वातावरण को साफ रखना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमारे आसपास वातावरण साफ होगा तो हम भी सदा स्वस्थ रहेंगे।